खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते और बात, देश में 1 जून 2020 से शुरू होने वाली एक देश एक राशन कार्ड योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दिल्ली के एक वकील ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक फर्जी सर्कुलर बनाया, जिसमें 31 राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने के लिए वन स्टेट वन वेंडर के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए। देखते ही देखते उसने देश की 30 कंपनियों समेत कई व्यापारियों को अपनी ठगी का कार बना लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश के 12 राज्यों में 1 जनवरी से शुरू हो चुकी ये योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, अन्य राज्यों में 1 जून से होगी लागू। वकील ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बहाने लिए करोड़ों रुपए। वकील ने डाक के जरिए आवेदन फॉर्म जमा होने की रसीद भी भेजी। रसीद पर मिली है मंत्रालय की फर्जी मोहर। एक देश एक राशन कार्ड योजना दरअसल 12 राज्यों में 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, वहीं अन्य राज्यों में ये योजना 1 जून से शुरू होने वाली है। इस योजना में फर्जी तरीके से सेंधमारी कर दिल्ली के वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलालों के जरिए हर राज्य में व्यापारियों को संपर्क किया और इस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने 1.5 करोड़ रुपए और 10% एडवांस की बात रखी और बाकी रकम काम हो जाने के बाद लेने की बात कही। यही नहीं, आरोपियों ने फिर मंत्रालय का फर्जी लेटर हेड और मोहर बनाकर आवेदन पत्र व्यापारियों को दिया। इसके बदले वकील और उसके साथियों ने उनसे 10% रकम उठा ली और फर्जी आवेदन पत्र भरवा लिया। वकील और उसके साथियों ने पहले भरवाए फर्जी आवेदन। आवेदन पर मंत्रालय की फर्जी मोहर का हुआ इस्तेमाल। जिस अधिकारी के फॉर्म पर है हस्ताक्षर उसका हुआ तबादला। 3 दिसंबर 2019 में जारी हुआ है फॉर्म आवेदन, जबकि हस्ताक्षर वाले अधिकारी का 11 फरवरी 2019 को हो गया था तबादला। फॉर्म पर अधिकारी की ईमेल आईडी भी फर्जी। देश के 3 कंपनियों सहित व्यापारियों को किसी प्रकार का शक ना हो, इसके लिए उन्होंने आवेदन भरने के बाद आरोपियों ने व्यापारियों को डाक के जरिए आवेदन फॉर्म जमा होने की रसीद भी भेजी, जो कि मंत्रालय की फर्जी मोहर लगाकर मंत्रालय के ही फर्जी लिफाफे में भेजी गई। वकील और उसके साथियों ने ये भी झांसा दिया कि सरकार से एग्रीमेंट होने के दिन से पहले 35 लाख और एग्रीमेंट वाले दिन 1 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो वहीं अब एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। जिस तरह से इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ, उससे लगता है इस फर्जीवाड़े में कई लोगों की मिलीभगत की आशंका है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।